हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, ये कहाँ सुटेबल रहेगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता क्या है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर इज अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर वेयर द लोड इज मूव वर्टिकल डाउनवर्ड्स थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जिसका जो लोड है वो वर्टिकली जाता है, डाउनवर्ड पोजीशन डाउनवर्ड जाता है वर्टिकली थ्रू द वॉल्स, वॉल्स के थ्रू डाउनवर्ड जाता है। द रूफ वेट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द वॉल विच देन टू द फाउंडेशन। रूफ का जो वेट है वो भी वॉल के थ्रू फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है। समझ गए आप? आपने गांव साइड देखा होगा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, और तो और बॉम्बे में भी देखा होगा, धारा भी है स्लम एरिया, उसमें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ही है ज़्यादातर, और तो और आपने बैंड्रा और भी बहुत जगह, लेकिन आपने गाँव में ज़्यादातर देखा होगा। अब हम बात करते हैं इसके सुटेबिलिटी ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। इट इज सुटेबल फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग। अब आपका बजट अगर कम है तो आप कम बजट के लिए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपका बजट, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर का बजट बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन वो टिकता कब है, 60-70 सालों तक उसको कुछ मेंटेनेंस अगर आप प्रॉपर करो तो वो 60-70 साल चलता है। लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के बहुत डिसएडवांटेजेस भी है, इसीलिए अगर आपके पास कम बजट है तो आप ये कम बजट के लिए आपके लिए ये सुटेबल है। इट इज़ सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर हैविंग लो वेट। आपके स्ट्रक्चर में लो वेट है, जैसे कि आपने घर में ज़्यादा भारी भारी सामान नहीं रखा है, जैसे कि हम फ्रेम स्ट्रक्चर में रखते चल दो तो तीन तीन अलमारी, बेड भारी भारी सब कुछ, ये वहीं सुटेबल है जहाँ हम घर में ज़्यादातर ज़्यादा वेट ना डालें। ये इट इज़ सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर हैविंग लो वेट, आपके स्ट्रक्चर में लो वेट हो तब भी ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर सुटेबल है। इट इज़ सुटेबल फॉर हाउसेज इन नॉन अर्थक्वेक जोन। ये वहाँ सुटेबल है जहाँ अर्थक्वेक एकदम ना के बराबर, मतलब नहीं आता हो, लेकिन हमारे ज़्यादातर दिल्ली में अर्थक्वेक आता है, लेकिन वहाँ भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, घर गिरते हुए भी देखा है आपने, तो ये वहीं पर सुटेबल है जहाँ नहीं आता हो अर्थक्वेक। इट इज़ सुटेबल वेयर लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है। अब जैसे कि हम बिल्डिंग का प्लास्टर कर रहे हैं, बिल्डिंग वाले क्या रखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के हमें बिल्डिंग में बालू से प्लास्टर करो, लेकिन हमारे यहाँ बालू मिलना पॉसिबल नहीं है, समुद्र की रेत हम लेने जाएंगे तो आप जानते हो पुलिस लेके जाएगी, इसीलिए हम गुजरात से मंगाते हैं। तो वही है, वेयर लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज यूज इन कंस्ट्रक्शन। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे बड़े बड़े रॉक आते हैं उसका क्रश करके क्रश सैंड या फिर ग्रिट पाउडर बना के, एम सैंड जिसको हम बोलते हैं, वो बना के हम यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ, इसके एडवांटेजेस क्या है। दिस स्ट्रक्चर ऑफर एक्सीलेंट फायर रेसिस्टेंस एज कम्पेयर टू फ्रेम स्ट्रक्चर। यहाँ जब आग लगती है ये ज़्यादा बेहतर साबित होता है फ्रेम स्ट्रक्चर के मुकाबले। फ्रेम स्ट्रक्चर में कैसा होता है, आप देखे होंगे घर में जब आग लगती है किस तरह आग लगती है, लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा उभर कर आता है। ये फायर रेसिस्टेंस प्रोवाइड एक्सीलेंट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी रहती है और ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन, ये बहुत ज़्यादा समय तक टिकता है क्योंकि इसका खर्चा भी कम लगता है, खर्चे के हिसाब से बहुत अच्छे समय तक टिकता है। वो अलग बात है, फ्रेम स्ट्रक्चर की लाइफ ज़्यादा रहती है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस स्ट्रक्चर आर इकोनॉमिकल एंड ईजिली अवेलेबल। जिस तरह फ्रेम स्ट्रक्चर में भारी भारी मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई आप पकड़ लोगे शटरिंग का, कोई स्लैब की शटरिंग हो, भारी भारी मटेरियल या और भी भारी मटेरियल है, इस स्ट्रक्चर में आपको ज़रा भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, ईजिली अवेलेबल रहते हैं इस स्ट्रक्चर में। क्योंकि क्या लग रहा है, ईंट सीमेंट और रेती और गमेला फावड़ा तो लो, ये सब के अलावा ज़्यादा आपको कुछ लग नहीं रहा है इसमें, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ ए थिकर लोड बेयरिंग वॉल दैट प्रोवाइड्स गुड साउंड इंसुलेशन। अब लोग क्या करते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम 2 से 3 माला बना सकते हैं, 3 माला तक इनफ है, उससे ज़्यादा मैंने देखा नहीं और IS कोड भी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वॉल जो है हमारी जो फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है उसकी शेयर वॉल क्या रहती है, 9 इंच की, और पार्टीशन वॉल 4 इंच की। लेकिन लोग क्या करते हैं 12 इंच की 14 इंच की वॉल कर देते, क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा स्टोरी का टावर, मतलब ज़्यादा स्टोरी मिल सके, 3 से 4 स्टोरी मिल सके लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, वो एक गलत एक्टिविटी है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है इजी एंड चीप इक्विपमेंट। इसमें जो इक्विपमेंट यूज रहते हैं वो ईजी रहते हैं और एकदम चीप रहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा गमेले की, फावड़े की,
या फिर जिसे हम ट्रॉवल बोलते हैं, वो सब भी रेट क्या है आपको पता होगा। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इज स्लो एज कम्पेयर टू फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में हमने हफ्ते भर के अंदर हम फुटिंग सारी निकाल सकते हैं। अगर हम कोई कैबिन बना रहे, फुटिंग निकाल सकते हैं, कैबिन नहीं या कोई समझो बिल्डिंग का एरिया बना रहे तो क्या फुटिंग निकाल सकते हैं, कॉलम निकाल सकते हैं और सोलिंग पीसीसी करके फिर कॉलम भी खड़े करके अगले स्लैब की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टाइम बहुत स्लो, मतलब स्लो है इसका जो प्रोसेस है। कंस्ट्रक्शन इज स्लो, द वेट ऑफ द लोड बेयरिंग मेसनरी स्ट्रक्चर इज हाई। ये क्यों होता है, लोग 4 इंच की जगह 9 इंच की वॉल, 15 इंच की वॉल देते स्टोरी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और ये वेट हाई इसलिए भी होता है कि हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम बारी बारी सामान रखते हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए। हमारा थर्ड जो पॉइंट है, थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर वेरी पुअर। थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है, हीट फ्लो थ्रू ब्रिक और थ्रू लेयर्स ऑफ इंसुलेशन, तो लेयर्स ऑफ थर्मल, समझ गए आप, मतलब हीट फ्लो होता है इसमें। ईंट की दीवार में हम हीट ज़्यादा मतलब फ्लो होता है उससे, ईंट की दीवार से हीट ज़्यादा होती है इसमें, मतलब गर्म ज़्यादा पड़ता है इसे। लोड बेयरिंग मेसनरी स्ट्रक्चर परफॉर्म बैडली ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ अर्थक्वेक। इट लुक थ्रू द हिस्ट्री ऑफ पास्ट अर्थक्वेक डिजास्टर। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कोलैप्स आर मेसनरी स्ट्रक्चर। अर्थक्वेक के टाइम पे अगर हम पास्ट की हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा मुसीबत लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे आई है। डिजास्टर यानी मुसीबत, सबसे ज़्यादा मुसीबत लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे आई है एज़ कम्पेयर टू फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर पे बहुत कम आती है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कोलैप्स आर मैसनरी स्ट्रक्चर। मैसनरी यानी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा कोलैप्स होते हैं वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ही होते हैं। एज द वेट ऑफ द लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर इज हाई, इट्स हाईली अट्रैक्ट अर्थक्वेक जोन। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का वेट बहुत हाई रहता है क्योंकि हम उसमें वॉल ज़्यादा बड़ी दे देते हैं, हमारा सामान भर देते हैं हद से ज़्यादा, उसका वेट भी बहुत हाई हो जाता है दीवार ईंट की वजह से, क्योंकि वो पूरा मैसनरी स्ट्रक्चर रहता है तो वो अर्थक्वेक को अट्रैक्ट करता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करना ना भूलना इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और सब्सक्राइब करो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें।